हेलो स्टूडेंट्स, अपना बिल्कुल यूट्यूब चैनल पर एक बार फिर से आपका स्वागत है। डियर स्टूडेंट्स, मेरा नाम है लोकेंद्र राजावत और आज हम देखने वाले हैं हमारी क्लास 8 नवोदय बैच का लेक्चर नंबर 8 में जो टॉपिक हम कवर करने वाले हैं वो है रैशनल नंबर्स को ऐड कैसे किया जाता है, यानी कि एडिशन ऑफ रैशनल नंबर्स क्या होगा। और इससे आगे आने वाले लेक्चर्स में हम लोग सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन को भी कवर करने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो यहाँ पे मैंने आप लोगों के लिए 6-7 क्वेश्चंस लिखे हैं। इन सभी 6-7 क्वेश्चंस को मैं क्या करूंगा, आप लोगों को सोल्व करके बताता हूँ और नेक्स्ट टाइम पे 1-2 क्वेश्चंस और हम करेंगे। इसी के साथ हमारा लेक्चर खत्म हो जाएगा। तो देखिए, सबसे पहला एग्जाम्पल है, हमें क्या करना है, क्वेश्चन है कि ऐड द फॉलोइंग रैशनल नंबर्स, इन रैशनल नंबर्स को ऐड करना है। तो ऐड करने के लिए देखो, यहाँ आप लोगों को ये चारों केस दिख रहे होंगे, इनमें सबके डिनोमिनेटर इक्वल है। जैसे यहाँ पे 5-5 है, यहाँ पे 15-15 है, यहाँ पे 8-8 है और यहाँ पे 6-6 है। तो ये चीज आप लोग याद रखना कि अगर किसी कोई दो रैशनल नंबर्स दे रखे हैं, जैसे एक ए बाई बी है और एक सी बाई बी है, दोनों के डिनोमिनेटर्स आप लोगों को इक्वल दिख रहे होंगे। तो जब भी डिनोमिनेटर्स इक्वल होते हैं तो जो एलसीएम होता है उन दोनों का, तो वो जो नंबर होता है वही क्या आ जाता है, डिनोमिनेटर ही एलसीएम आ जाता है। यानी यहाँ पे a बाई बी और c बाई बी दो रैशनल नंबर है, कुछ भी हो सकते हैं। जैसे यहाँ पे a बाई बी के हिसाब से देखें तो -2/5 है और c बाई बी के हिसाब से देखें तो 4/5 है। तो यहाँ पे अगर डिनोमिनेटर दोनों के इक्वल है तो जो डिनोमिनेटर होगा वही क्या हो जाएगा, उनका एलसीएम हो जाएगा। तो सबसे पहले हमें क्या करना है, इनका एलसीएम फाइंड करना है। तो कितना आया, 5 आया। अब क्या करेंगे, इस एलसीएम को इस डिनोमिनेटर से डिवाइड करेंगे, यानी इस 5 को डिवाइड करना है इस 5 से। तो कितने टाइम डिवाइड होगा, 1 टाइम। और जो भी रिजल्ट आएगा उसको इस न्यूमेरेटर से क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है। यानी कि मैंने क्या समझाया, तो मैं यहां लिख देता हूं। सबसे पहले क्या करना है, एलसीएम को डिवाइड करना है डी से, डी मतलब डिनोमिनेटर से। इसका हमें कोई रिजल्ट मिलेगा, इस रिजल्ट को मल्टीप्लाई करना है न्यूमेरेटर से। और ये हमारे को दो स्टेप फॉलो करनी है। तो इस 5 को हमें डिवाइड करना है इस 5 से। तो 5 जब 1 आएगा, 1 को -2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो -2 आएगा। उसको आगे लिखेंगे, एड करना था इनको तो बीच में क्या आएगा, एडिशन वाला साइन आएगा। फिर 5 को 5 से डिवाइड करो, मतलब इस 5 को डिवाइड करना है इससे, ये यहां आएगा और साथ में इसको डिवाइड करना है यहां से, ठीक है। तो ये भी 1 टाइम होगा, 1 को 4 से मल्टीप्लाई किया तो 4 आया। अब आप लोगों को इंटीजर्स को एड करना आना चाहिए। एक नंबर नेगेटिव है, एक नंबर पॉजिटिव है, तो इनको कैसे एड किया जाएगा कि लार्जर नंबर में से स्मॉलर नंबर को सब्ट्रैक्ट कर दो। 4 में से 2 माइनस किया तो कितना है, 2 आया। और 4 जो लार्जर नंबर था वो किसका है, पॉजिटिव का है, इसलिए हमारा रिजल्ट क्या निकल के आएगा, पॉजिटिव में निकल के आएगा। तो इसका रिजल्ट क्या हो गया, 2/5। आई होप ये चीज आप लोगों को समझ में आ गई हो। सिमिलर क्वेश्चन ये है, तो देखो इन दोनों का एलसीएम कितना आएगा, सेम वही नंबर आएगा 15। इसका इसमें डिवाइड करेंगे 1 टाइम होगा, 1 को माइनस के क्या करेंगे, 17 से मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस का 17 आएगा। बीच में प्लस है तो प्लस आएगा। अब यहां क्या होगा, देखो 15 को 15 से डिवाइड किया 1 टाइम हुआ, फिर इसको क्या करेंगे, -1 से मल्टीप्लाई करेंगे, 1 को -1 से मल्टीप्लाई करेंगे, 1 जा 1, 1 प्लस का है, -1 माइनस का है, प्लस माइनस माइनस होगा, यानी कि इसका रिजल्ट क्या आएगा, माइनस का होगा। अब ये प्लस है और ये माइनस है, यहाँ पे बीच में किसका साइन होता है, मल्टीप्लाई का। और ये मैं कई बार बता चुका हूँ कि प्लस और माइनस को मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या बनता है, माइनस का 1/15 बन जाएगा, प्लस माइनस माइनस होता है। अब देखो, जब दोनों नंबर नेगेटिव होते हैं तो उनको सिंपली ऐड कर देते हैं, साइन लेकिन किसका आएगा, नेगेटिव का आएगा। तो यहाँ पे क्या होगा, -17 और -1 कितना हो जाएगा, माइनस का 18/15। अब ध्यान रखना है, इस रिजल्ट को यही नहीं छोड़ना है, हमें क्या करना है, इनको सिंपलेस्ट फॉर्म में लिखना है। सिंपलेस्ट फॉर्म का मतलब है, अगर ये दोनों नंबर किसी और आगे डिवाइड हो रहे हैं किसी नंबर से तो उससे करना है। तो जैसे देखो, आप देख पा रहे होंगे कि ये भी 3 से डिवाइड हो रहा है 6 टाइम, ये भी 3 से डिवाइड हो रहा है 5 टाइम। अब आगे किसी से भी डिवाइड नहीं हो रहा है तो हमारा ये फाइनल रिजल्ट होगा वो क्या होगा, -6/5। आई होप ये चीज आप लोगों को समझ में आ गई होगी। सिमिलर ये दोनों क्वेश्चन से इनको भी सोल्व करके देख लेते हैं। तो इनका एलसीएम कितना आएगा, 8 आएगा। इसको इससे डिवाइड करोगे 1 टाइम होगा, 1 को -11 से मल्टीप्लाई करोगे -11 आएगा, बीच में प्लस है तो प्लस आएगा। 8 को 8 से डिवाइड करोगे 1 टाइम होगा, 1 को 5 से मल्टीप्लाई करोगे तो 5 आएगा। अब एक नंबर नेगेटिव है एक पॉजिटिव है, तो बड़े में से छोटे को माइनस करो तो कितना आएगा, 11-5 करेंगे 6 आएगा। और नेगेटिव नंबर बड़ा था, लार्जर था, इसलिए माइनस का 6 लिखना पड़ेगा। फिर आगे देखो किसी से सोल्व हो रहा है क्या, फर्दर आगे सिंपलेस्ट फॉर्म में कन्वर्ट करना है। ये देखो 2 से 3 टाइम डिवाइड हो गया, 2 से 4 टाइम डिवाइड हो गया, तो फाइनल रिजल्ट कितना आया, -3/4। आई होप ये चीज भी आप लोगों को समझ में आ गई होगी। सेम चीज यहाँ कर दी हमारे, इसका एलसीएम लगे तो कितना आएगा, 6 आएगा। इसका इसमें डिवाइड करो तो कितना, 1 टाइम, और 1 को 5 से मल्टीप्लाई करोगे तो 5
5 आएगा, बीच में एडिशन है तो एडिशन, फिर 6 को 6 से डिवाइड करोगे तो कितना आएगा, मतलब इस 6 में डिवाइड करना है इससे तो कितना आएगा 1 आएगा, 1 को माइनस 7 से क्या करेंगे मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा माइनस का 7 आ जाएगा, फिर प्लस माइनस क्या हो जाएगा माइनस 7 हो जाएगा 6। अब यहाँ पे एक 5 प्लस का है जिसके आगे कोई भी साइन नहीं होता वो क्या कहलाता है प्लस का कहलाता है, ये 7 किसका है माइनस का है, तो लार्जर नंबर में से स्मॉलर को सेपरेट कर दो तो यहाँ कितना आएगा 7 माइनस 5 करेंगे तो 2 आएगा, लेकिन 7 माइनस का था इसलिए माइनस 2 डिवाइड बाय 6 आएगा, आगे सोल्व हो रहा है देखो 2 1 2 2 3 6 तो फाइनल रिजल्ट क्या आएगा इसका -1/3। आई होप ये चीज आप लोगों को समझ में आ गई होगी। इसके बाद में हम ये देखते हैं नेक्स्ट वाला। अब देखो इन चारों केसेस में क्या है, आप लोग देख पा रहे होंगे कि इनके डिनोमिनेटर्स क्या है इक्वल नहीं है, तो जब डिनोमिनेटर्स इक्वल नहीं है तो डिनोमिनेटर्स को हमें क्या करना पड़ेगा एलसीएम लेना पड़ेगा सिंपल। तो 16 और 24 का जब आप एलसीएम लोगे तो इनका एलसीएम निकल के आएगा 48, आप लेके देख लेना अलग से वो कितना आएगा 48, ठीक है। अब हमें क्या करना है सिंपल वही जैसे रूल फॉलो किया है, ये रूल याद रखो एलसीएम को डिनोमिनेटर से डिवाइड करना है, जो भी रिजल्ट आएगा उसको न्यूमिनेटर से मल्टीप्लाई करना है, तो 16 से डिवाइड करेंगे 48 को, यानी कि 48 के अंदर हम डिवाइड कर रहे हैं 16 से, ये चीज ध्यान रखना, ऐसे नहीं है कि 16 में डिवाइड कर रहे हैं 48 से, ये चीज हमें करनी है, ठीक है। तो क्या होगा 3 टाइम डिवाइड होगा, 3 को माइनस 5 से मल्टीप्लाई करेंगे 3 5 15, और माइनस प्लस माइनस का 15, बीच में एड करना है तो इससे प्लस चलेगा, इसको इससे डिवाइड करेंगे मतलब 48 में डिवाइड करना है 24 से, 2 टाइम होगा, उनको क्या करेंगे 7 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना बनेगा 14 बनेगा। अब एक प्लस एक माइनस का एक प्लस का है तो सबट्रैक्ट करेंगे लार्जर में से स्मॉलर को, 15 माइनस 14 किया हुआ 15, लार्जर वाला नंबर किसका आ रहा है नेगेटिव का आ रहा है तो माइनस का बनाएगा और डिवाइड बाय 48, यही हमारा आंसर हो जाएगा क्योंकि इसको आगे हम सोल्व नहीं कर पा रहे, ठीक है। सेम चीज हम यहां करेंगे तो अब एलसीएम लेना है सबसे पहले किसका 8 एंड 15 का, तो ये देखो 12 का, तो देखो 8 और 12 में दो नंबर ढूंढना सबसे छोटा जो दोनों से डिवाइड होता है, तो 24 8 से भी डिवाइड होता है, 24 से भी डिवाइड होता है, इससे छोटा कोई भी नंबर नहीं है जो 8 से और 12 से डिवाइड हो, तो यही सबसे छोटा नंबर है उसी को हम एलसीएम बोलेंगे, तो इन दोनों का एलसीएम क्या निकल के आया 24, इसको इससे डिवाइड करो कितने टाइम होगा 3 टाइम डिवाइड होगा, 3 को क्या करेंगे 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 15, बीच में एडिशन है तो एडिशन आएगा मतलब एंड है, तो उसने बोला है क्वेश्चन में शुरू में ऐड करना है, तो अब क्या होगा 12 को इससे डिवाइड करो मतलब 12 से डिवाइड करो 24 को, 2 टाइम डिवाइड होगा, 2 को माइनस 7 से मल्टीप्लाई करो तो माइनस का 14 आएगा। अब क्या करना पड़ेगा देखो ये प्लस माइनस क्या हो जाएगा माइनस हो जाएगा और डिवाइड बाय 24 और 15 माइनस 14 तो डायरेक्टली क्या कर सकते हैं 1/24 आ गया इसका रिजल्ट। आई होप ये चीज भी आप लोगों को समझ में आ गई होगी। उसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन को करते हैं, तो देखो यहाँ पे भी कोई एलसीएम लेना है 9 और 6 का, तो वो नंबर ढूंढो जिसमें 9 का भी डिवाइड हो रहा है 6 का भी, तो जब एलसीएम लोगे एलसीएम ऑफ 9 को 6, 9 को आएगा 18, क्योंकि 18 में 9 से भी डिवाइड होता है और 6 से भी डिवाइड होता है, इससे छोटा कोई भी नंबर नहीं होगा, तो इनका एलसीएम कितना है 18, अब इसको इससे डिवाइड करो 2 टाइम होगा, 2 को माइनस 8 से मल्टीप्लाई करो माइनस का 16 आएगा, बीच में एडिशन आएगा, इसको इससे डिवाइड करो 3 टाइम होगा, 3 को 11 से मल्टीप्लाई करो 33 आएगा, फिर एक नेगेटिव है एक पॉजिटिव है तो लार्जर में से स्मॉल को सबट्रैक्ट करो 33 में से 16 गया तो कितना बचेगा 17 बचेगा, ठीक है, और डिवाइड बाय 18, ठीक है, ये करके देख लेना ये 3 4, हाँ 17 बचेगा। उसके बाद में लार्जर वाला नंबर पॉजिटिव था इसलिए हमारे को नेगेटिव लगाने की जरूरत नहीं, 17 क्या हो गया पॉजिटिव, ये अगर आगे सोल्व हो रहा होता तो इसको आगे भी सोल्व करते, लेकिन यही क्या है हमारा फाइनल रिजल्ट हो गया। आई होप ये चीज भी आप लोगों को समझ में आ गई। अब इसको कैसे करें, तो यहाँ देखो यहाँ पे दो चीजें हैं, एक तो इसका डिनोमिनेटर क्या है माइनस का 4 है, और एक इसके डिनोमिनेटर में कुछ नहीं है, तो इसके तो डिनोमिनेटर में 1 लगा लो इसका तो काम हो गया, लेकिन इसको हमें क्या करना है डिनोमिनेटर को क्या बनाना पड़ेगा पहले 4 को मतलब माइनस 4 को पॉजिटिव बनाना पड़ेगा, तो हम क्या करें इस नंबर को माइनस 1 से मल्टीप्लाई कर दे न्यूमिनेटर को भी और डिनोमिनेटर को भी क्या कर दे माइनस 1 से मल्टीप्लाई कर दे, कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा क्योंकि ये इक्विवेलेंट रैशनल नंबर निकल के आएगा, तो अब यहाँ क्या होगा 5 1, इसको क्या लिख सकते हैं माइनस 5 हो गया 5 1 5 और प्लस माइनस माइनस, ये माइनस माइनस क्या हो गया प्लस, तो ये कितना हो गया 4, तो एक चीज आप याद रख सकते हो डायरेक्ट, अगर यहाँ पे माइनस पी अपॉन क्यू कुछ दे रखा है या फिर माइनस क्यू नीचे है पी ऊपर है तो ये दोनों का मतलब सेम ही है, मतलब जो नीचे माइनस है उसको ऊपर लगा सकते हो कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा, यानी अब ये नंबर क्या है 2/1
प्लस करना है किसके साथ, माइनस फाइव अपॉन फोर के साथ। तो वन और फोर का एलसीएम कितना आएगा, फोर आएगा। वन को इससे डिवाइड करो कितने टाइम होगा, फोर टाइम डिवाइड होगा, मतलब वन से डिवाइड करना है फोर को। फोर को टू से क्या करें, फोर टाइम डिवाइड होगा, और फोर को टू से मल्टीप्लाई करेंगे तो एट आएगा, बीच में प्लस है तो प्लस। फोर को फोर से मतलब इस फोर को डिवाइड करना है इस फोर से तो वन टाइम होगा, और वन को माइनस फाइव से मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस फाइव आएगा। फिर यहां क्या आएगा देखो, ये प्लस माइनस क्या हो जाएगा, माइनस फाइव डिवाइड बाय फोर, एट माइनस फाइव कर दिया तो कितना आएगा, थ्री बाय फोर। तो ये थ्री बाय फोर हमारा क्या हो गया, रिजल्ट हो गया। आई होप ये आठों एग्जांपल आप लोगों को समझ में आ गए होंगे। नेक्स्ट स्लाइड पे हम लोग एक दो क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, इसी के साथ हमारा लेक्चर खत्म हो जाएगा, तो इसे आप नोट कर लीजिए। एडिशन के ऊपर दो अच्छे लेवल के क्वेश्चन हो रहे हैं, उनको भी हम देख लेते हैं, इसी के साथ हमारा फिर लेक्चर फिनिश हो जाएगा। तो देखिए, तो पहला क्वेश्चन क्या है कि द सम ऑफ टू रैशनल नंबर्स इज माइनस टू, यानी दो रैशनल नंबर्स हैं उनका सम कितना है, माइनस का टू है। इफ वन ऑफ द रैशनल नंबर इज माइनस फोर्टीन अपॉन फाइव, मतलब उन दो रैशनल नंबर में से एक रैशनल नंबर कितना दे दिया, माइनस फोर्टीन अपॉन फाइव, तो क्या करना है, फाइंड द अदर। तो हमारे को जो दूसरा रैशनल नंबर है वो फाइंड करना है। अब इसको सोल्व कैसे करें, तो सोल्व करने से पहले जो भी क्वेश्चन में गिवन है ना उनको लिख लेते हैं एक बार, जिससे एक आइडिया लग जाएगा कि हमारे को क्या चीज फाइंड करनी है और क्या क्या चीजें गिवन है। तो देखिए, सबसे पहले उन्होंने सम ऑफ टू रैशनल नंबर दिया है तो वो कितना लिख लिया, माइनस वन नंबर दिया उसने कितना, माइनस फोर्टीन अपॉन फाइव। अब दूसरा हमें नहीं पता, वो फाइंड करना है, तो हम उसको कुछ मान लेते हैं वेरिएबल की फॉर्म में, कि लेट द अदर नंबर कितना है, मान लो एक्स है। अब उसके अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन अगर चले हम कि भाई एक नंबर माइनस फोर्टीन अपॉन फाइव है, एक हमने एक्स मान लिया, इन दोनों का जो सम है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन वो कितना आ रहा है, भाई इन दोनों को अगर हम एड करें तो कितना आना चाहिए, माइनस कर दूंगे, तो बोला कि सम ऑफ टू रैशनल नंबर इज माइनस टू। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या होगा, एक्स प्लस माइनस फोर्टीन अपॉन फाइव, इन दोनों का जो सम है या एडिशन है, ठीक है, यहाँ पे मैंने क्या किया, इन दोनों का सम किया है, वो कितना आना चाहिए, माइनस का टू आना चाहिए। अब इसको आगे कैसे सोल्व करें वो देखते हैं। तो देखो, एक स्टेप तो मैं कर देता हूं, ये प्लस का है और ये माइनस का है, और ये बीच में क्या है, यहाँ पे मल्टीप्लाई है, तो माइनस प्लस को मल्टीप्लाई करते हैं तो माइनस आता है, तो ये क्या बन जाएगा, एक्स माइनस फोर्टीन अपॉन फाइव, और इधर क्या चल रहा है, माइनस का टू। अब एक चीज ध्यान रखना, ये जो साइड है ना ये कहलाती है लेफ्ट हैंड साइड, और ये जो साइड है वो कहलाती है राइट हैंड साइड। अब यहां पे क्या होता है, हमें एक्स की वैल्यू चाहिए, तो हमें क्या करना पड़ेगा, माइनस फोर्टीन अपॉन फाइव को उस साइड लेके जाना पड़ेगा, लेफ्ट हैंड साइड टू राइट हैंड साइड में। तो लेफ्ट हैंड साइड टू राइट हैंड साइड में ले जाने के कुछ रूल है, उन रूल को क्या बोला जाता है, ट्रांसपोज करना, ट्रांसपोजिंग। तो ट्रांसपोजिंग का क्या मतलब, देखो ट्रांसपोजिशन, तो उसमें क्या होगा, अगर लेफ्ट हैंड साइड में कोई नंबर पॉजिटिव का है तो उधर जाके क्या बन जाएगा, नेगेटिव, अगर नेगेटिव है तो पॉजिटिव बन जाएगा, डिवाइड में है तो मल्टीप्लाई में आ जाएगा, और मल्टीप्लाई में तो डिवाइड में आ जाएगा। आई होप ये चीज समझ में आ रही होगी। इसका उल्टा भी होगा, अगर राइट से लेफ्ट में लाएंगे तो ये भी होगा, माइनस का प्लस हो जाएगा, प्लस का माइनस हो जाएगा, मल्टीप्लाई का डिवाइड और डिवाइड का मल्टीप्लाई। आई होप ये चीज आप लोग अभी के लिए याद रख सकते हो। जो नेक्स्ट लेक्चर मतलब नेक्स्ट चैप्टर होगा हमारा लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल, उसके अंदर हम इसको पूरे को डिटेल में वापस से अच्छे से समझने की कोशिश करेंगे। तो देखो यहाँ पे, ओके, अब यहाँ पे माइनस फोर्टीन अपॉन फाइव ये माइनस का उस साइड जाके क्या होगा, पॉजिटिव हो जाएगा। तो ये क्या बना, एक्स बराबर बन गया माइनस का टू, यहाँ पे ऑलरेडी पहले से था ये माइनस फोर्टीन अपॉन फाइव, लेफ्ट हैंड साइड टू क्या किया, राइट हैंड साइड में लेके गए, तो क्या बना, फोर्टीन अपॉन फाइव पॉजिटिव बन गया। अब इसको क्या करना पड़ेगा, एड करना पड़ेगा। देखो माइनस टू प्लस फोर्टीन अपॉन फाइव जो हमने लास्ट स्लाइड में सीखा है एडिशन, वो आप अप्लाई करो यहाँ पे। तो यहाँ क्या होगा, देखो दोनों का एलसीएम लो कितना आएगा, वन और फाइव का एलसीएम फाइव आएगा, इसको इससे डिवाइड करो, मतलब फाइव में डिवाइड करना वन से, तो कितने टाइम होगा, फाइव टाइम होगा। फाइव को माइनस टू से मल्टीप्लाई करोगे माइनस टेन आएगा, प्लस इसको इससे डिवाइड करो तो क्या आएगा, वन टाइम होगा, भाई इस फाइव में डिवाइड करना है इससे, तो वन टाइम होगा, वन को फोर्टीन से मल्टीप्लाई किया था फोर्टीन आया। तो देखो एक माइनस का एक प्लस का है नंबर, तो हम क्या करेंगे, जो बड़ा नंबर उसमें से छोटे को सेपरेट कर दो, फोर्टीन माइनस टेन करेंगे तो फोर आएगा, और बड़ा नंबर साइन किसका, पॉजिटिव है, इसलिए कितना आएगा, फोर अपॉन फाइव। तो ये जो फोर अपॉन फाइव है ये हमारा आंसर आ गया। तो यानी कि वो जो हमारे को नंबर दूसरा फाइंड करना था वो एक्चुअल में कितना होगा, फोर अपॉन फाइव, जिसको अगर इसके साथ एड कर दिया जाए तो रिजल्ट कितना मिल जाएगा, माइनस का टू। आई होप ये चीज आप लोगों को समझ में आ गई होगी, इसको अच्छे से आप नोट कर लीजिए, समझिए, खुद सोल्व करने की कोशिश कीजिए। इसके बाद में हम ये देखते हैं ये वाला एग्जांपल, ठीक है, ये भी सेम वैसा ही क्वेश्चन है, बस यहाँ पे भी हमारे पास लैंग्वेज थोड़ी अलग तरीके से लिखती है।
कि व्हाट नंबर शुड बी एडेड टू माइनस फाइव अपॉन एट सो एज टू गेट माइनस थ्री अपॉन टू। मतलब इसके अंदर ऐसा क्या एड किया जाए, क्या नंबर एड किया जाए जिससे कि हमें क्या मिल जाए, ये मिल जाए। तो हमारे को नहीं पता क्या एड किया जाए, तो हम उस नंबर को क्या मान सकते हैं, लेट द नंबर विच शुड बी एडेड, विच शुड बी एडेड, जिसको हमें एड करना चाहिए इज एक्स। मान लो कि वो नंबर कितना एक्स है, लेट द नंबर विच शुड बी एडेड इज एक्स। अब उसने क्या बोला है कि उस एक्स को इसमें एड करेंगे तो क्या मिलना चाहिए, माइनस का थ्री अपॉइंट टू मिलना चाहिए। तो अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन चले अगर हम, तो x को अगर क्या करें माइनस फाइव अपॉन एट में एड किया, सिंपल जो बोल रहा है वो मैं कर रहा हूं, ठीक है। तो आप लोगों को बस ये चीज ध्यान रखनी है, क्वेश्चन को समझना है और जो बोलने की कोशिश कर रहा है, समझाने की कोशिश कर रहा है, वो चीजें उसको क्या करो, एक रिटर्न फॉर्म में लिख लो, फिर आगे सोल्व करना स्टार्ट करो। बस ध्यान ये रखना है मैथ के अंदर कि आप लोगों को सारी चीजें एक साथ याद होनी चाहिए। अगर आप मान लो कि ये तो लिख लिए लेकिन उसके बाद में ट्रांसपोज करना भूल गए, ये प्लस माइनस माइनस होगा ये भूल गए, तो आप आगे नहीं बढ़ पाओगे। तो इसलिए मैथ के साथ प्रॉब्लम यही है कि मैथ में सारी चीजें एक साथ जब तक याद नहीं होगी तब तक आप लोगों के सारे कॉन्सेप्ट अच्छे से क्लियर नहीं होंगे और आपसे प्रॉब्लम सोल्व नहीं होगी। तो प्रॉब्लम सोल्व करने का एक ही तरीका है कि सारी चीजें आप लोग एक साथ याद रखो। और सारी चीजें एक साथ याद कैसे रखी जा सकती है, वो तभी याद होगी आप लोगों को जब आप लोग रेगुलर बेसिस पे क्या करोगे, यहाँ जो पढ़ाया जा रहा है, स्कूल में जो पढ़ाया जा रहा है उसको रिवाइज करोगे। अगर रिवाइज नहीं करोगे तो आप लोग क्या करोगे, उसको भूल जाओगे और बहुत सारी चीजें क्या होगी, दो तीन दिन बाद में आप लोगों के दिमाग से बिल्कुल ये समझ लो गायब हो जाएगी। तो इसलिए आपसे रिक्वेस्ट है कि आप रेगुलर बेसिस पे क्या करो, रिविजन करो और उसके बाद में क्या करो, क्वेश्चन सोल्व करो, जिससे उनको अप्लाई करो कि वो एक्चुअल में कैसे यूज होगा। तो चलिए अब आगे हम इसको देखते हैं, ये कितना आना चाहिए, माइनस थ्री अपॉन टू। तो देखो अब सिंपली ये सेम वैसा ही बन गया जैसा हमने अभी यहां किया था। तो देखो ऐसी सिचुएशन बन गई, हमें एक्स की वैल्यू चाहिए वो हम निकालते हैं। तो पहले माइनस प्लस क्या होगा, माइनस फाइव अपॉन एट बराबर माइनस थ्री अपॉन टू, हमारे को तो एक्स चाहिए तो माइनस फाइव अपॉन एट उधर जाके ट्रांसपोज होके क्या हो जाएगा, प्लस का हो जाएगा। तो एक्स बराबर क्या आएगा, माइनस थ्री अपॉन टू, तो इधर राइट साइड में ऑलरेडी था ये माइनस का फाइव अपॉन एट, उधर जाके क्या हो जाएगा, प्लस का फाइव अपॉन एट हो जाएगा। जब दोनों का एलसीएम लोगे तो कितना आएगा, एट आएगा। फिर इसको इससे डिवाइड करोगे, मतलब एट में डिवाइड करना है टू से, तो कितने टाइम होगा, फोर टाइम। फोर को माइनस टू इससे थ्री से मल्टीप्लाई करो तो कितना आएगा, माइनस का ट्वेल्व आएगा। प्लस इसका इसमें डिवाइड करो, ठीक है, तो कितना आएगा, वन टाइम होगा, वन को फाइव से मल्टीप्लाई किया तो फाइव आएगा। अब माइनस ट्वेल्व और प्लस फाइव है तो बड़े में से एक प्लस का है एक माइनस का है, तो बड़े में से छोटे को सबट्रैक्ट कर दो, 12 माइनस 7 करेंगे तो 12 माइनस 5 करोगे तो 7 आएगा, लेकिन लार्जर वाला नंबर नेगेटिव था इसलिए माइनस का 7 आएगा डिवाइड बाय 8। अब ध्यान रखना इसको यही नहीं छोड़ना, अगर सिंपलेस्ट फॉर्म में आ रहा है तो उसको करना पड़ेगा, लेकिन यहाँ तो क्या है यही हमारा फाइनल रिजल्ट हो जाएगा क्योंकि दोनों किसी से भी डिवाइड नहीं हो रहे। तो जो हमारा रिक्वायर्ड नंबर है जिसको हमें एड करना पड़ेगा वो कितना होगा, माइनस सेवन अपॉन एट। आई होप ये चीज आप लोगों को दोनों एग्जाम्पल समझ में आ गए होंगे। इसको भी आप साइड में क्लाउड टाइप का बना के नोट कर लीजिए, इसको भी नोट कर लीजिए वीडियो को पोज करके। इसी के साथ आज का लेक्चर हमारा खत्म होता है। नेक्स्ट लेक्चर के अंदर हम लोग सब्ट्रैक्शन को पढ़ने वाले हैं, फिर आगे के आने वाले लेक्चर्स में मल्टीप्लाई और डिवाइड को भी हम कवर करेंगे। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, कमेंट जरूर कीजिए। और आप लोगों की अगर कोई प्रॉब्लम है, कोई टॉपिक आप लोगों को समझ में नहीं आया है, कोई डाउट है, तो वो भी आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं। इसके साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, जिससे कि आगे आने वाले सभी लेक्चर्स के आप लोगों को नोटिफिकेशन एडवांस में मिल जाए। तब तक के लिए थैंक यू।